मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राघव और धर्मेश की। दे वर इन्वाइटेड इन अ मैरिज बस एज ए गेस्ट, क्योंकि जो लड़की थी वो राघव धर्मेश को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। सो दे वर अ पेड गेस्ट ये होता है, और राघव एकदम से इंडल्ज हो जाते हैं डांस के अंदर विद धर्मेश, और भाई इतनी मस्तियां होती है डांस में जो आप अब खुद देख पा रहे हैं। देखिए मैंने बहुत सारे सुपरस्टार्स और एक्टर्स को देखा है, इवन डांसर्स को देखा जो रियलिटी शोज में आते हैं, लेकिन कभी बाहर जाते हैं ना तो डांस करते हुए काफी नखरे करते हैं कि नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, अभी नहीं होगा, बहुत भाव खाते हैं। लेकिन आई नो सम नेम्स जो भाई बाहर जाते हैं बस एज ए गेस्ट, नॉट पेड डांसर, लेकिन भाई इतना झमके डांस करते हैं कि सामने वाले की रूह कांप जाए कि भाई बुलाया किस लिए था और कर क्या रहा है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राघव और धर्मेश की। दे वर इन्वाइटेड इन अ मैरिज बस एज ए गेस्ट, क्योंकि जो लड़की थी वो राघव धर्मेश को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। सो दे वर अ पेड गेस्ट ये होता है। अब थोड़ा अमीर हो जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा होती है इंडस्ट्री में कि आप पेड गेस्ट बन के जाते हो। जैसे सलमान शाहरुख हमीर शादी अटेंड करते हैं, ठीक धर्मेश राघव भी ऐसी शादी अटेंड कर रहे थे, और शादी में एक होस्ट था, होस्ट ने थोड़ा सा भाई अपना काम करना स्टार्ट किया कि ये वो राघव फलाना ढिमका डांस आइकन एंड ऑल, और राघव एकदम से इंडल्ज हो जाते हैं डांस के अंदर विद धर्मेश, और भाई इतनी मस्तियाँ होती है डांस में जो आप अब खुद देख पा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई भी नहीं है जो इस वक्त इतनी बड़ी लेवल पे आके इतने बड़े स्टैंडर्ड पे आके ऐसे डांस कर दे किसी शादी में। अगर आपको किसी का पता है तो डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स, बाकी मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है। बाकी वीडियो अगर आपको मजेदार लगी हो तो प्लीज कमेंट के बॉक्स करके बताइएगा, और कमेंट ये भी कीजिएगा कि आप ऐसी वीडियोज और देखना चाहते हैं कि नहीं, और अगले किस स्टार की लेकर आए वीडियो। तब तक आप सभी को अलविदा।